हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिशा विजन क्रिएटिविटी, माय सेल्फ लिशा। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यम्मी क्रीमी रेसिपी विच इज़ मेथी मटर मलाई। तो चलिए देखते हैं किस तरह ये बनती है मेथी मटर मलाई, क्योंकि अभी विंटर्स में मेथी बहुत अच्छी आती है, तो डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करना आप कि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये। और मटर भी अभी विंटर्स में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो हम मैंने मेथी अच्छे से चॉप करके धो के रख ली है, तो आप देख सकते हैं इसीलिए रफली मैंने चॉप की है। ये हम मटर यूज़ करेंगे, ये है मलाई, घर की मलाई है, और ये है प्याज, टमाटर एंड जिंजर गार्लिक को मैंने फाइनली चॉप करके रखा है, एंड ग्रीन चिलीज जो कि 3-4 मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स आई एम गोना यूज़, और बाकी जो हमारे स्पाइसेस होते हैं नॉर्मली नमक एंड सॉरी कोरिएंडर पाउडर, बस वही यूज़ करेंगे और कोई भी स्पाइस हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, और पॉपी सीड्स भी यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। अब एक कढ़ाई ले लेंगे हम, और कढ़ाई में मैं ये वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो आप कोई भी नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है 2 स्पून जितना मैंने वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है। अब इसके अंदर हम मेथी को स्टर फ्राई करेंगे। देख सकते हैं ये तेल गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर मैं ये रफली चॉप्ड मेथी डाल दूंगी। इसे अच्छे से हम स्टर फ्राई कर लेंगे तब तक कि जो पानी आपको दिख रहा है वो पूरा एकदम एब्जॉर्व ना हो जाए, और मेथी बहुत अच्छे से उसकी कड़वाहट ना छोड़ दे। तो मेथी की कड़वाहट निकालनी बहुत ज़रूरी है इस सब्ज़ी में, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी सी स्वीट साइड में होती है। आप देख सकते हैं अब इसके अंदर मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है, जो कि इसकी कड़वाहट बहुत अच्छे से निकालने में हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं ये पानी धीरे धीरे एब्जॉर्व हो रहा है, तो इसे हम पूरा एब्जॉर्व कर लेंगे तब तक उसको स्टर फ्राई करेंगे। तो मेथी मटर मलाई में दिस इज़ द ओनली वे, राइट वे टू यूज़ मेथी, क्योंकि कड़वाहट निकाल के ही हम मेथी की सब्ज़ी ये मेथी मटर मलाई बना सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है इफ़ यू डोंट फ्राई इट। आप देख सकते हैं मेथी पूरा पानी जो मेथी का था वो एब्जॉर्ब हो चुका है, और मेथी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, और आप कलर देख सकते हैं डार्क ग्रीन कलर, बहुत ही सुंदर कलर आ चुका है। तो दिस इज़ द राइट वे ऑफ यूजिंग मेथी इन दिस सब्ज़ी। देख सकते हैं मैंने प्लेट में निकाल लिया। अब इसी कढ़ाई में मैं और थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, और जो हमें ग्रेवी रेडी करनी है उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए अब हम वो पका लेंगे इसमें। तो इसको गर्म होने देंगे, फिर हम आगे डालेंगे। अब आप देख सकते हैं ये गर्म हो चुका है, और इसके अंदर मैंने ऑनियंस डाल दिए हैं, जो कि मैंने 2 ऑनियंस यूज़ करे थे। तो इस सब्ज़ी में 4 लोगों के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ, तो द रेशियो शुड बी 2:1, मतलब 2 अगर ऑनियंस यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 टमाटर यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने रफली स्लाइस करके रखा है, क्योंकि हम इसे पीसेंगे इसीलिए हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, लेकिन बस ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी सी वाइट में होती है, वाइट ग्रेवी में। तो अब इसके अंदर मैंने आप देख सकते हैं फाइनली चॉप्ड जिंजर गार्लिक भी डाल दिया है, तो अब इसे भी हम अच्छे से स्टर फ्राई कर लेंगे, और इसको छोड़ देंगे कुक होने के लिए तब तक कि जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा ये वाइट ग्रेवी में होती है। अब इसके अंदर मैंने ग्रीन चिलीज ऐड कर ली हैं, तो ये थोड़ी सी प्याज थोड़ी सी हुई थी ट्रांसपेरेंट और मुझे करनी है, लेकिन बीच में ही हम ये ग्रीन चिलीज ऐड कर लेंगे ताकि चिलीज भी अच्छे से फ्राई हो जाए। मैं इसमें जो भी तिखास उसके लिए मैं सिर्फ ग्रीन चिलीज यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा यूज़ किए हैं इसमें। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, चिलीज भी फ्राई हो चुकी हैं। अब एट दिस मोमेंट हम इसमें टमाटोज ऐड करेंगे, जो कि वो भी मैंने रफली चॉप करके रखे थे। तो आप देख सकते हैं 1 टमाटो को मैंने रफली चॉप करके रखा था, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकने देंगे तब तक कि जब तक टमाटो सॉफ्ट नहीं हो जाते, बस उतना ही हमें पकाना है। तो दिस इज़ हाउ हम स्टर करते हुए इसको भी पका लेंगे टमाटोज़ को भी। अब आप देख सकते हैं टोमेटोज़ भी बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं एंड बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इस मोमेंट में हम गैस फ्लेम को बंद कर देंगे, ठंडा होने देंगे, और फिर हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे निकाल लिया है मिक्सर ग्राइंडर में। अब इसके अंदर मैं 1 स्पून जितनी पॉपी सीड्स ऐड करूंगी फॉर द क्रीमी टेक्स्चर। इसके अंदर आप रिप्लेस करके इसको काजू भी डाल सकते हैं 3-4। देखते हैं बहुत ही अच्छे से ये पेस्ट रेडी हो चुका है।
पेस्ट को मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर से डाल दिया है। इसको अब हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर ही हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये सब जो इंग्रेडिएंट्स थे पके हुए हैं, बस थोड़ी देर हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ऑयल बहुत अच्छे से निकलने लगा है। इस टाइम पे मैं इसके अंदर पानी में, गर्म पानी में सोक्ड पीस मटर यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें इसके साथ साथ वो पक जाते हैं, तो इसीलिए हम इसे बिल्कुल भी कुक नहीं करेंगे, सोक करके यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं मटर भी बहुत अच्छे से एकदम पक चुके हैं, सेमी कुक हो चुके हैं नियर अबाउट। तो आप देख सकते हैं तेल भी बहुत अच्छे से रिलीज़ हो गया है। तो अब इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा ये जो धनिया पाउडर है 1 स्पून जितना, बस एक ही स्पाइस हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, बाकी कोई गर्म मसाले वगैरह हम नहीं यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ऑलरेडी ये क्रीमी टेक्स्चर में आ चुका है। अब इसके अंदर नेक्स्टली जो हमने फ्राई करके रखी थी मेथी वो हम इसमें डाल देंगे एंड एक अच्छा स्टर दे देंगे इसको ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए इस ग्रेवी में। नाउ यू कैन सी बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है ग्रेवी में, मेथी मटर तो रेडी हो चुका है, अब मलाई डालने की बारी है। तो चलिए अब आगे इंग्रेडिएंट वही डालते हैं हम। नाउ यू कैन सी द मिक्सचर, ऑलरेडी इसने भी ऑयल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम नमक यूज़ कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेथी में हमने डाला था, तो वो ध्यान में रखते हुए हम इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे। तो इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ये सारे मिक्सचर को। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा स्टर देने के बाद नेक्स्टली बहुत अच्छे से ये ऑयल एंड ऑल सारे मसाले पक चुके हैं। नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू ऐड मलाई। तो ये घर की मलाई मैं यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं ये एक कटोरी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप रेडी जो रेडीमेड आती है वो अगर मलाई आप यूज़ करते हैं तो वो आप हाफ कटोरी ही यूज़ करें बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्रीमी होती है। तो आप देख सकते हैं नियर अबाउट मैंने एक कटोरी इसमें मलाई यूज़ की है। तो अब इस मलाई को भी बहुत अच्छे से हम स्टर कर लेंगे एंड अब इस ग्रेवी को, इस सब्ज़ी को थोड़ी देर और पकने देंगे तब तक कि जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ऊपर ऑयल्स के बबल्स आपको दिख रहे होंगे, मतलब दिस नाउ इट इज़ रेडी। तो इस सब्ज़ी को अब हम अच्छे से एक बार स्टर करने के बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। तो अब ये सब्ज़ी क्रीमी मेथी मटर मलाई इज़ रेडी। तो अब चलिए गैस फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देख सकते हैं मैंने सर्विंग बाउल में इसको निकाल लिया है और ऊपर से भी मैं थोड़ी सी क्रीम इसे गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेम्प्टिंग लग रही है। फाइनली इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसके अंदर धनिया ऐड करूंगी। इफ़ आपके पास कसूरी मेथी है देन गाइस वो आप ऐड करना, तो मतलब 4 चांद लग जाएंगे इस डिश को। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है विद कसूरी मेथी, बस थोड़ी सी 1/2 टीस्पून जितनी आपको क्रश करके डालनी है। तो मैंने धनिया से गार्निश किया है एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ अवर मेथी मटर मलाई गाइस। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड वाइट ग्रेवी के साथ मेथी मटर मलाई इज़ रेडी। देख सकते हैं हमारी मेथी मटर मलाई रेडी हो चुकी है टू सर्व। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।